हाँ माइक अगर रखना चाहे तो रख सकते, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने विषय का प्रदर्शन नहीं करना चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते, तो हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, समाधान देना है, आप बेझिझक बिना माइक के बोल सकते हैं। तो आप क्या चाहेंगे? तलाक का योग बन रहा है, आपस में लड़ाई मची हुई है, वह अधिकार पाना चाहते, हक पाना चाहते हैं, कृपा होगी, आपकी विजय होगी, बिल्कुल चिंता ना करें, आशीर्वाद है। लेकिन हमारी दृष्टि से सामंजस्य बनाना चाहिए, पक्ष दोनों गलत, आप भी कम नहीं है, वो भी कम नहीं जी, बिल्कुल हमारे हिसाब से सामंजस्य बनाना चाहिए। एक मिनट में हम बताएं। वो स्त्री चरित्र में फंसे हैं, आपने पकड़ लिया है, उसको लेकर के विवाद मचा है। सत्य है, और एक से नहीं दो दो से चक्कर, क्योंकि पूर्व में आपने जो पकड़ा था वो तो एक औरत थी, बाद में फिर एक लड़की आई, अभी वर्तमान में भी उसको छोड़कर फिर आगे बढ़ गए, और फिर उसके बाद मोबाइल से लड़ाई हुई है आपकी, मोबाइल से शुरू हुई है, अब ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन आप भी एक बात को लेकर के बैठते हैं, ये आपकी भी कमी है, तो थोड़ा सा अगर बने, बच्चों को भविष्य को लेकर के हम चिंतित हैं और कुछ नहीं बहन, तो अगर बने तो सामंजस्य बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप पूछो कि आपकी गुरुजी, आपकी गुरुजी क्या कहते हैं, तो हमारे सन्यासी बाबा ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि उन्हें सुधरना नहीं है और तुम्हें भी नहीं सुधरना, हक मिलेगा ये तय है। फिर हम कहेंगे सामंजस्य बन सके तो हमारे पास जो भी गुरु कृपा या चेतना है, या जो हमारे पास चूरन चटनी है, तो आप उनका चित्र दे दीजिए, एक बार हम आपको वचन देते हैं कि उनको पर संगति से एक बार बाहर निकाल लाएं। उसके लिए आप अभी बढ़ जाओ, देखिए चित्र आप धाम पर ही हो, यहाँ से घूम जाए, धाम पर हर मंगलवार को, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हर मंगलवार को जब हम धाम पर रहते हैं तो मिलते हैं, जिनका पर्चा बन जाता है तो टोकन नंबर के आधार पर अर्जी लगती है, पेशी लगती है, वहाँ एक ही दिन में नंबर आकर के आप मिलकर के वापस आ सकते हैं। हमारे मंदिर नहीं, बागेश्वर बालाजी के मंदिर आना है, बालाजी की गज परिक्रमा करनी है, पांच पाठ हनुमान चालीसा के करना है, ये हो गई आपकी पेशी, और आप चित्र हमें दे देना तो हम पेशी चढ़ा देंगे, चित्र का जो भी हमें उपाय करना होगा अपने इष्ट के चरणों में, बालाजी के चरणों में, हम बहन वो कर देंगे। पर्चा लेकर आना, इसके बिना नो एंट्री। हाँ जी बहन, जी बहन आइए माँ। साधु जी बोलो, दोनों हाथ उठाकर बोलो।